उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुरादाबाद में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इसी सिलसिले के ताल्लुक से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर इकराम अंसारी ने अपने सपा कार्यालय पर नव नियुक्त पदाधिकारियों पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर इकराम अंसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान जनता से अपील करते हुए कहा कि हमारे कैंप कार्यालय के साथ ही पूरे शहर में सपा कैंप पर 18 वर्ष तक के वोट बनाए जा रहे हैं। अगर किसी को भी अपना वोट बनवाना हो तो वो सपा के किसी भी कैंप कार्यालय जाकर अपना वोट बनवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुरादाबाद विधानसभा 28 से जो भी सपा का प्रत्याशी होगा उसको हम सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। हमारा मकसद पार्टी के लिए काम करना है और अखिलेश यादव की सरकार के दौरान किए गए कार्यों को आवाम तक पहुंचाना है। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। ये प्रोग्राम साहब जितने भी नए अध्यक्ष चुने गए हैं अलग अलग प्रकोष्ठों के लगभग 20 हैं, 20 या 22, उन सबको मैंने अपने यहाँ इनवाइट किया है स्वागत के लिए उनके, ताकि उनके काम में तेज़ी आए और उनको हिम्मत मिले, हिम्मत अफजाई हो उनकी, ताकि और ज़्यादा अच्छा काम करें पार्टी की दिशा को मजबूत करने के लिए। मैंने मतलब यही प्रोग्राम रखा है। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लीडरान हैं, सब एकजुट होकर पार्टी जिसको भी टिकट दे उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ें और हमारी पार्टी को कामयाब बनाएं, हमारे एमएलए को कामयाब बनाएं और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं यूपी का। मैं साहब पिछले 15 दिन से नए वोटर बनाने का सिस्टम मैंने अपने यहाँ कर रखा है और लोग 50, 60, 70 की तादाद में आ रहे हैं लोग और वोटर बनवा रहे हैं, अपने ID बनवा रहे हैं वोटर, और ये और जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, हम भी लगवा रहे हैं, जा रहे हैं लोगों से कहने के लिए। अपील ये कर रहे हैं कि साहब जो 18 वर्ष के बच्चे और बच्चियाँ हैं उनके अपने जिनके वोट नहीं बने हैं या जिनके वोट नहीं आ रहे हैं उनके वोट बनवाए जाएं, उनसे गुजारिश करते हैं उनके माँ बापों से कि वोट बनवाइए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें।